नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। हाथरस हादसे पर एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी रिपोर्ट, आयोजकों और अधिकारियों पर उठाए सवाल। रिपोर्ट में भोले बाबा और साकार हरि का जिक्र नहीं। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने हाथरस मामले में सनसनीखेज दावा किया है। कहा है कि 10 से 12 लोग सत्संग में जहरीला स्प्रे लेकर पहुंचे थे। भीड़ में स्प्रे का छिड़काव कर ये लोग घटनास्थल से भाग गए थे। उन्होंने सत्संग स्थल पर लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज भी जांचने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 5 जवान शहीद। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सेना ने हेलीकॉप्टर से उतारे पैरा कमांडो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कठुआ के बदनोटा में आतंकवादी हमले में मारे गए 5 बहादुर सैनिकों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर ने लिया कठुआ में सुरक्षा बल पर हमले की जिम्मेदारी। आतंकियों ने हमले में M4 असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स और हथियारों का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में सैनिकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक त्रासदी बनी हुई है। भारी बारिश से मुंबई पानी पानी, सड़कों पर पानी भरा, उड़ाने रद्द, रेल यातायात भी प्रभावित। मुंबई में आज भी भारी बारिश का है अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के पहुंचने पर पुतिन ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और गले मिले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, यह दो करीबी मित्रों और विश्वसनीय साझेदारों की बैठक। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 10 अन्य नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। 4 जुलाई को हेमंत सोरेन बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी नेता की होटल में संदिग्ध मौत। सीसीटीवी में तड़पते दिखे नेता, परिजनों ने लगाया है जहर देने का आरोप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें आप दुनिया पर।